बॉलीवुड के जाने माने राइटर मनोज मुंतशिर द्वारा लिखी गई फिल्म आदिपुरुष जो कि जून 2023 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, इस फिल्म को लेकर देश भर में काफी बवाल मच गया था। मनोज द्वारा लिखित इस फिल्म के आपत्तिजनक डायलॉग्स को लेकर देश भर में लोगों में काफी रोष जाग गया था। इसके बाद इस फिल्म को लेकर मनोज को काफी ट्रोल किया गया और दर्शकों ने राइटर को काफी बुरी भली बातें भी कही थी। इसी बीच अब मनोज ने बताया है कि इस फिल्म को लेकर हुई कंट्रोवर्सी के चलते उन्हें कुछ समय के लिए भारत को छोड़ना पड़ा था, क्योंकि उन्हें जान से मारने की धमकियां मिल रही थी। मनोज ने इस बात का खुलासा हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में किया है। मनोज ने इसके बारे में बताते हुए कहा कि मेरा परिवार मेरी सुरक्षा को लेकर चिंतित हो गया। जब फिल्म की रिलीज के बाद मुझे जान से मारने की धमकियां मिलने लगीं। दुनिया आपको अच्छा मान सकती है और कल बुरा मान सकती है, लेकिन अपने परिवार के लिए आप हीरो हैं। मनोज ने बताया कि इन्हीं धमकियों के कारण वे कुछ समय के लिए विदेश चले गए थे और इस कंट्रोवर्सी के खत्म होने के बाद ही भारत वापस लौटे थे। मनोज ने यह भी माना कि आदिपुरुष को लिखते वक्त उनसे कुछ गलतियां हुई हैं और वे इस गलती को स्वीकार भी करते हैं। मनोज ने कहा कि उनसे गलती हुई, एक बड़ी गलती हुई। उन्होंने इस घटना से बहुत कुछ सीखा है और यह सीखने का एक बड़ा मौका रहा है। वे इस गलती के बाद अब आगे से काफी सावधान रहेंगे। इसके अलावा मनोज ने यह भी कहा कि लोग इस फिल्म को लेकर इसलिए और भड़क गए क्योंकि उन्होंने इस फिल्म को लेकर सफाई देना शुरू कर दिया था। मनोज ने कहा कि इस फिल्म को लेकर मुझे सफाई नहीं देनी चाहिए थी, क्योंकि उस वक्त लोगों का गुस्सा बिल्कुल ठीक था। मनोज ने अंत में यह भी कहा कि लोग उन्हें इस गलती के लिए अब माफ कर दें और उन्हें दूसरा मौका दें, क्योंकि उन्होंने आदिपुरुष से पहले काफी अच्छा काम किया है। फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब लहरें।